हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूएग्री। आज हम बात करेंगे क्रॉप रोटेशन एंड इट्स प्रिंसिपल, फसल चक्र और उसके सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आता है कि आप क्रॉप रोटेशन क्या होता है और उसके प्रिंसिपल्स के बारे में लिखिए, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। लेकिन एक बात सोचिए कि आखिर फसल चक्र होता क्या। फसल चक्र अगर हम इसको कहें कि एक ही लैंड पे बार बार फसलों को बदल बदल के बोना, वही आपका क्रॉप रोटेशन है। कम लागत में ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा मुनाफा पाना आपका फसल चक्र में आएगा। तो देखते हैं इनमें कौन कौन से क्रॉपिंग सिस्टम्स हैं। पहला है इंटरक्रॉपिंग, जैसा कि लिखा हुआ है इंटरक्रॉपिंग। कुछ समझ में आ रहा है इंटरक्रॉपिंग क्या है? मतलब कि कुछ नहीं, दो क्रॉप को एक साथ एक ही लैंड पे बोना। क्या कह रहे हैं? ग्रोइंग अप टू और मोर क्रॉप्स सिमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। सिंपल सा डेफिनेशन है कि किसी भी सिंगल पीस ऑफ लैंड पे एट द सेम टाइम, एक अवधि में, एक समान अवधि में दो या दो से ज़्यादा क्रॉप को लगाना, उगाना ही आपका इंटरक्रॉपिंग कहलाए। दूसरा है मिक्स्ड क्रॉपिंग। इट इज़ अ ग्रोइंग अप टू और मोर क्रॉप्स सिमल्टेनियसली इंटरमिंगल्ड विदाउट एनी रो पैटर्न। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है कि हम कोई भी सिद्धांत इसमें लागू नहीं करते, कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते, पौधों की डिस्टेंस और पौधों से रो की डिस्टेंस ये हम मेंटेन नहीं करते। तो वही कह रहा है कि दो या दो से अधिक क्रॉप को इंटरमिंगल एक साथ उगाना किसी भी लैंड पे आपका मिक्स क्रॉपिंग कहलाएगा। तीसरा है रिले क्रॉपिंग, नया टर्म है, जानने में भी इंटरेस्टिंग होगा। रिले क्रॉपिंग आप समझते हैं कि जैसे कि अगर कोई फसल है, हार्वेस्ट करने से पहले हम उसमें अगला फसल को क्या करेंगे, बो देंगे, तो वही आपका रिले क्रॉपिंग है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि धान की खेती में कभी कभी हम बरसीम, जब धान की कटाई होने वाली होती है उससे पहले हम बरसीम बो देते हैं, और जब हमारे धान की कटाई हो जाती है तो बरसीम हमारा तैयार हो जाता है। तो यही आएगा आपका रिले क्रॉपिंग। इट रिफर्स टू अ प्लांटिंग ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप बिफोर हार्वेस्टिंग द प्रीसीडिंग क्रॉप लाइक अ रिले रेस वेयर अ क्रॉप हैंड ओवर द लैंड टू नेक्स्ट इन क्विक सक्सेशन। वही मैंने जो बताया कि किसी भी क्रॉप का हार्वेस्ट होने से पहले किसी क्रॉप को उसमें बो देना ही आपका रिले क्रॉपिंग। अब बात आता है क्रॉप रोटेशन की, फसल चक्र की। मेन आपका यही है फसल चक्र। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि एक ही पीस ऑफ लैंड पे एक ही समय अवधि में किसी फसल को बदल बदल के उगाना आपका क्रॉप रोटेशन कहलाए। देखते हैं क्या लिखा है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन अ सक्सेशन ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम विथ एन ऑब्जेक्टिव टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम लीस्ट इन्वेस्टमेंट विदाउट इम्पेयरिंग सॉइल फर्टिलिटी। क्या कह रहा है ये कि यह एक क्रिया है एक ही पीस ऑफ लैंड, मतलब एक ही खेत में दो या दो से ज़्यादा फसल को नहीं, दो या इसमें दो या दो से ज़्यादा फसल नहीं आएगी। इसमें जो मैंने क्रॉप अभी लगाया है और जो अगला मैं लगाऊंगा दूसरा क्रॉप होगा, एक ही क्रॉप। जैसे कि हम क्या करते हैं, बार बार गेहूं की खेती करते हैं, अभी एक सीज़न में गेहूं का लगाया, दूसरा सीज़न में गेहूं का लगाया, तो वो ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, एक में हम पहले सीजन में गेहूं लगाएंगे, फिर धान लगाएंगे, फिर हो सकता है मूंग भी, उड़द भी हम लगा सकते हैं। तो ये आपका क्रॉप रोटेशन में है। तो क्या कह रहा है कि ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ स्पेसिफिक, एक निश्चित अवधि में हमें किसी, मतलब कि मैक्सिमम प्रॉफिट के उद्देश्य से हम लगाते हैं और कम लागत में ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करते हैं, बिना ही हम अपने सॉइल की फर्टिलिटी को खराब किए, बिना जो सॉइल की फर्टिलिटी है बिना खराब किए किसी भी पौधों को बदल बदल के बोना आपका फसल चक्र कहलाएगा।
अब बात आती है सिद्धांत क्या है क्रॉप रोटेशन की, तो वो भी देखते हैं हम। क्या लिखा है, इट शुड बी एडाप्टेबल टू एग्जिस्टिंग सॉइल क्लाइमेटिक एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। मतलब कि यह क्या होना चाहिए कि ये एडाप्ट कर लेना चाहिए, कोई भी पौधा हम लगा रहे हैं, कोई भी फसल हम लगा रहे हैं, तो वो एग्जिस्टिंग सॉइल जो हमारा सॉइल है उस पर वो एडाप्टेबल हो और क्लाइमेटिक हो, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसे अच्छे से अडाप्ट कर ले, इकोनॉमिक फैक्टर हमें आर्थिक भी सहयोग दे। दूसरा क्या है, द सिक्वेंस ऑफ क्रॉपिंग एडाप्टेड फॉर एनी स्पेसिफिक एरिया शुड बी बेस्ड ऑन प्रॉपर लैंड। जो भी हम फसल लगा रहे हैं वो होना चाहिए कि जो हमारा लैंड है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, प्रॉपर मतलब अच्छी तरह से उपयोग होना चाहिए। तीसरा क्या है, द रोटेशन शुड कंटेन अ सफिशियंट एकरेज ऑफ सॉइल इंप्रूविंग क्रॉप टू मेंटेन अ ऑल्सो बिल्डअप ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। क्या कह रहा है, जो हमारा फसल चक्र है वो एक प्रकार से सफिशियंट होना चाहिए हमारे सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए। अगर जब भी हम उसमें लगाएं तो वो हमें कहीं ना कहीं हमारे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो और ऑर्गेनिक मैटर भी बिल्डअप करे। चौथा क्या है, इन एरियाज वेयर लेग्यूम कैन बी सक्सेसफुली ग्रोन द रोटेशन शुड बी प्रोवाइड फॉर अ सफिशियंट एकरेज ऑफ लेग्यूम टू मेंटेन द एन सप्लाई ऑफ सॉइल। मेन ये है कि जहाँ पे हम अगर फलियों वाली फसल लगाते हैं, लेग्यूम्स क्रॉप्स लगाते हैं, वहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए कि जो है उनसे हमें जो एन सप्लाई नाइट्रोजन की सप्लाई है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो लेग्यूम्स क्रॉप होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो ध्यान देना चाहिए कि हमें अगर हम अपने भूमि पे लेग्यूम्स क्रॉप्स लगा रहे हैं, क्योंकि हर जहाँ तक अच्छा हमें फर्टिलिटी गेन करना है, हमें अपने सॉइल को इम्प्रूव करना है, तो एक बार हमें साल में लेग्यूम्स क्रॉप जरूर लगाना चाहिए। पांचवा है, द रोटेशन शुड प्रोवाइड रफेज एंड पॉस्चरेज फॉर द लाइफ स्टॉक कैप्ट ऑन द फार्म। जो हम फसल चक्र अपना रहे वो हमें चारा या चारागाह प्रदान करता हो, जो हमारे लाइव पशु हैं जो हमने अपने घर के पे रखा है या अपने डेयरी फार्म पे रखा है, उनके लिए चारा भी हमें अच्छा से अच्छा मिल सके। तो ये था क्रॉप रोटेशन एंड इस प्रिंसिपल, जिनके बारे में हमने जाना कि फसल चक्र क्या होते हैं और फसल चक्र के क्या क्या सिद्धांत हैं। तो इतना जानिए, फसल चक्र ज़्यादा कुछ बड़ा सा नहीं होता है, बस ये जानिए कि किसी भी सेम पीस ऑफ लैंड पे हम अलग अलग प्रकार के फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, कम लागत में ज़्यादा मुनाफा उनसे गेन कर रहे हैं, और बिना ही हम अपने सॉइल का फर्टिलिटी को ख़राब किए बिना अगर ये सब कर रहे हैं तो आपका वो फसल चक्र कहलाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।